पढ़ रहे थे स्पेसिफिक हीट और गैसेस में कितनी होती है, गैसेस में होती है दो स्पेसिफिक हीट, कितनी होती है दो, कब तक वैन एट प्रेशर कॉन्स्टेंट, क्या प्रेशर कॉन्स्टेंट, जब हम प्रेशर को कॉन्स्टेंट करते हैं तो एक स्पेसिफिक हीट आती है, और जब हम वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट करते हैं वैन एट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, जब हम वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट करेंगे तो फिर हमारी दूसरी स्पेसिफिक हीट आएगी, जब प्रेशर को कॉन्स्टेंट करते हैं तो हम उसको कहते हैं सी पी, क्योंकि शीतोष्ण होता है स्पेसिफिक हीट का, तो हम उसको कहते हैं सी पी, ठीक है, तो जब वॉल्यूम को करते हैं तो सी वी करते हैं, ठीक है। अब अगर इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, तो हम लिखते हैं इट इज अ अमाउंट ऑफ हीट, क्या है ये एक हीट का ही अमाउंट है, हीट का ही अमाउंट है, क्यों है, क्योंकि जब हीट एब्जॉर्ब होगी तभी टेम्परेचर में चेंज आएगा, हाँ एक बार हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं तो वॉल्यूम में चेंज आता है, दूसरी बार हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं तो प्रेशर में चेंज आता है, ठीक है ना, तो इसीलिए दो प्रकार, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट टू रिक्वायर्ड चेंज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, ठीक है, टू चेंज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं ऑफ यूनिट मास ठीक, थ्रॉट थ्रॉट 0 degree centigrade keeping pressure constant, keeping pressure constant, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखकर यूनिट मास के लिए, क्या के लिए यूनिट मास के लिए, यूनिट मास का मतलब होता है एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान ही तो होता है, एकांक द्रव्यमान के लिए m बराबर कितना लेंगे हम, एक, कितना लेंगे m बराबर एक लेंगे, रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करने के लिए कहां से 0 degree centigrade, तो टेम्परेचर हमारा कितना ले सकते हैं 0 degree centigrade, आप इसका फॉर्मूला कैसे लेते हैं, चूंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, C इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन एम डेल टी, ये तो पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर m बराबर एक ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एकांक द्रव्यमान है, और t बराबर टेम्परेचर कितना है 0 degree centigrade है, 1 degree centigrade है, तो टेम्परेचर को, टेम्परेचर चेंज को 1 degree centigrade ले रहे हैं, तो जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, C इज इक्वल टू डेल क्यू, क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू डेल क्यू, क्लियर है। अब इसी को अगर हम वॉल्यूम चेंज की जगह लगाए, कहाँ लगाए, वॉल्यूम चेंज की जगह, तो कुछ नहीं है, डेफिनेशन सही रहेगी, बस इसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं और यहाँ पर क्या करेंगे हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हैं, तो बस यहाँ तक नहीं रहेगा, यहाँ से कीपिंग आ जाएगा, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट कर रहे हैं आपको वॉल्यूम, तो जो वो स्पेसिफिक हीट आएगी वो वॉल्यूम की आ जाएगी सी वी बराबर, क्या जाएगा सी वी बराबर, क्लियर है। अब एक फॉर्मूला पढ़ते हैं मेयर फॉर्मूला, क्या मेयर फॉर्मूला, ठीक, एक वैज्ञानिक हुए हैं मेयर, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, जो फॉर्मूला है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, क्लियर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, इसके क्वेश्चन आते हैं कभी कभी डायरेक्ट, इस बार तो आप लोगों का ऑप्शनल है तो हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए सीपी और सीवी का संबंध क्या होता है या सीपी और सीवी का सही संबंध कौन सा है, तो ऑप्शन आ जाते हैं सीपी माइनस सीवी बराबर आ, सीपी प्लस सीवी बराबर आ, सीपी अपॉन सीवी बराबर आ, या सीपी भागे सीवी बराबर आ, इस तरीके से फॉर्मूले आ जाते हैं, आपको सही फॉर्मूला पता लगाना, क्योंकि इसमें ऑप्शन है आपका, चार ऑप्शन होंगे आपको एक ही टिक करना हो, ठीक है, तो मेयर फॉर्मूला होता है सीपी माइनस सीवी बराबर आ,
इसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको पढ़ने के पहले हम एक और फॉर्मूला होता है डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। सोच रहे होंगे डेल 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 क्यों आ रहा है, ठीक। ये डेल्टा होता है, इसको हम फलन अवकलन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो डेल क्यू ये पढ़ा होगा हमने, डेल क्यू का मतलब होता है हीट, उष्मा का आना, उष्मा का कन्वर्जेशन। डेल यू होता है इंटरनल एनर्जी, क्या होता है इंटरनल एनर्जी, क्लियर है। और डेल डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क, क्या होता है चेंज ऑफ वर्क, है ना। डेल डब्ल्यू का मतलब वर्क, या ऐसा करो डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन, ठीक। एनर्जी अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, और क्यू ऊर्जा अंतिम आंतरिक ऊर्जा और प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा, और ये ऊर्जा होती है अंतिम माइनस जितनी उसमें है पहले से और जितनी बढ़ाई गई है उस बढ़ाई गई का मान, क्लियर है। जैसे कि किसी में 10 कैलोरी की ऊर्जा है, हमने 5 ऊपर से लगा दी तो टोटल कितनी हो गई 15, चेंजमेंट कितने का आया 15 में से 10 कुल मिला के 5, कितने का आया 5 का, तो यही होती है फाइनल, तो डेल क्यू, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इस फॉर्मूला का यूज होगा, ये फॉर्मूला बेसिकली है, पता कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तब उसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल में हम केवल इतना ही जान लेते हैं कि जब किसी निकाय में कोई क्यूब ऊर्जा दी जाती है तो वो कुछ वर्क करता है, क्या करता है कुछ वर्क करता है, कुछ उसकी आंतरिक ऊर्जा में खत्म हो जाती है। जैसे हमने 10 का यूनिट किसी को दिया, किसी को 10 का यूनिट दिया, ठीक है। अब उसमें से उसने 2 यूनिट खर्च कर लिया और 8 के यूनिट का काम कर रहा, ठीक। तो 8 के यूनिट का काम प्लस 2 यूनिट खर्च इक्वल टू 10 यूनिट आना चाहिए ना। वही फॉर्मूला है कि जब पूरी ऊर्जा दी जाती है उसमें से कुछ आंतरिक ऊर्जा खत्म हो जाती है और कुछ ऊर्जा का हमें काम निकल आता है, ठीक। और इसको हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, ठीक। अभी आगे और पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, फिलहाल में केवल इतना ही, और आप लास्ट क्लास में भी इसके बारे में पढ़ो, ठीक। तो यहाँ से चलते हैं, हम मान लेते हैं माना एक निकाय है, ठीक है। लेट बी कंसीडर हम मानते हैं, क्या मानते हैं, लेट बी कंसीडर अ वन मोल गैस ना, वन मोल ऑफ गैस, वन मोल ऑफ गैस, गैस का एक मोल ले, एक मोल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें m बराबर 1 रखना, उसका जो द्रव्यमान है वो हमें कितना लिया एक मोल लिया, तो m बराबर हमारा कितना रहेगा 1 रहेगा, ठीक। जब हम एक मोल गैस ले लेते हैं उस पर हम क्या करते हैं कुछ ऊष्मा देते हैं, कितना देते हैं कुछ ऊष्मा देते हैं, जिसको हम डेल क्यू कहते हैं। जब हम किसी निकाय में किसी गैस में डेल क्यू ऊष्मा देंगे तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होगा या कमी होगी, इंक्रीजमेंट होगा या कमी होगी। मान लेते हैं कितना होता है वो डेल क्यू, जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है कितना आता है, जब हम किसी निकाय में डेल क्यू ऊर्जा देते हैं तो उसका चेंज ऑफ टेम्परेचर डेल टी आता है, ठीक। और उसकी आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी कितनी है डेल यू, इंटरनल एनर्जी कितनी है डेल यू, ठीक। वेन देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, क्लियर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्या मान लेते हैं इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम चलते हैं अपना जो फॉर्मूला था स्पेसिफिक हीट का, कैसा स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी एम डेल टी, ठीक। अब अगर हम इसको प्रेशर को कांस्टेंट करें, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, क्या इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हम सीपी लिख सकते हैं, सीपी बराबर कितना आएगा डेल
क्यू अपॉन एम, एम क्या है, एम बराबर हमने कितना माना है, वन मोल ऑफ गैस द्रव्यमान, मान कितना माना वन, तो कितना हो जाएगा सीपी इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी, क्लियर है। इसको अगर आप इस तरीके से लिखे तो डेल क्यू इज इक्वल टू सीपी इंटू डेल टी, देख सकते हैं इसका हम यहां पे चेंज कर देते हो जाएगा। इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर टू, क्या मानते हैं इक्वेशन नंबर टू, क्लियर। अभी यहां पर हमने प्रेशर कॉन्स्टेंट किया था, क्या कॉन्स्टेंट किया प्रेशर, अब हम यहां पर क्या करेंगे वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट करेंगे तब क्या होगा सी वी, क्या आ जाएगा सी वी, सी वी बराबर आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल टी, ठीक आ जाएगा। सोचने वाली बात है कि डेल यू से ये डेल यू कैसे, डेल क्यू से ये डेल यू कैसे हो गया, है ना। चलो अभी आगे बताते हैं कि डेल क्यू से ये डेल यू कैसे हो गया, सी वी बराबर डेल यू अपॉन डेल टी, इसको भी अगर हम चेंज ओवर करें तो हो जाएगा डेल यू बराबर, दिखाई दे रहा है इसको, चलो यहां लिख देते हैं डेल यू इज इक्वल टू, डेल यू इज इक्वल टू सी वी डेल टी, ये आ गया हमारा दूसरा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर टू, ये इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर टू, क्लियर है। अब देखते हैं ये डेल यू कहां से आया है ना, देखो हम एक नॉर्मल चीज मानते हैं, ये इसमें हमारा कोई गैस था, क्या इसमें कोई गैस था, इस पर हम एक पिस्टल मारते हैं तो इसको हम दबाते हैं, पहले इसका वॉल्यूम बी टू था, फिर वॉल्यूम कितना हो जाता है, जब इसको दबा देते हैं तो पिस्टल हमारी यहां तक आया, तो इसका वॉल्यूम होता है बी वन, क्लियर। हमारा प्रेशर कितना लग रहा है P, अगर हम इसमें वर्क की गणना करें तो वर्क बराबर कितना होगा P डेल V, डेल V का मतलब B2 से P बनता है, यही तो होगा W बराबर P into डेल V। अगर हम इस चीज को यहां पर मान रहे हैं, यहां पर रखते हैं, यहां पर रखते तो डेल Q इक्वल टू डेल V प्लस डेल W का मान आ जाएगा P प्लस P डेल V, क्लियर। अब हमने एक शर्त लगाई है कि वॉल्यूम कैसा है कांस्टेंट, कैसा है कांस्टेंट, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये जो वैल्यू होगी वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब v2 v1 बराबर, जब v2 v1 बराबर है तो इस वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी जीरो, जब ये वैल्यू जीरो आएगी तो ये पूरा जीरो आएगा, जब ये पूरा जीरो आएगा तो डेल U बराबर कितना हो जाएगा डेल यू, क्लियर है, कोई दिक्कत ही तो है। इसीलिए व्हेन द वॉल्यूम वाज कांस्टेंट, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम डेल क्यू को डेल यू लिख सकते हैं, तो हमने वही किया है डेल क्यू को डेल यू लिख दिया, और ये फॉर्मूला नंबर एक दो तीसरा बन गया, कौन सा बन गया तीसरा, ठीक। अब हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, या कह लो इसके और इसके मान इस फॉर्मूले में रखेंगे, जब इस दोनों के मान इस फॉर्मूले में लिख लेंगे तो डेल क्यू बराबर कितना लिख लेंगे, डेल क्यू बराबर आएगा सीपी सीपी डेल टी, सीपी डेल टी इज इक्वल टू डेल यू बराबर निकलेगा ये सीबी डेल टी सी वी डेल टी प्लस डेल डब्ल्यू, सही। इसको अब इस तरह लाएं तो हो जाएगा सी पी डेल टी माइनस सी वी डेल टी इक्वल टू डेल डब्ल्यू, क्लियर। अगर आप इसको डेल टी इसका कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा सी पी माइनस सी वी इक्वल टू डेल डब्ल्यू, क्या फॉर्मूला, हाँ सर फॉर्मूला तो हो गया बट इसके अनुसार, लेकिन है ये, अभी अगर इसको हम और चेंज करेंगे जैसे वर्क फॉर्म चेंज कर देंगे तो वर्क आ जाएगा आर इंटू डेल टी, कितना आएगा आर इंटू डेल टी, तो समाधान कैंसिल हो गया, लेकिन आएगा कैसे, क्लियर। तो ये देखना है कि किस चीज में
अब इस फॉर्मूले को हम कैसे कैसे बनाएंगे। ठीक, हमने आदर्श गैस समीकरण पढ़ा है, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV=nRT, ये होता है PV=nRT, ये होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं कि n बराबर कितना है, n बराबर हमने एक मोल माना, ठीक, m बराबर एक मोल माना है। वैसे n को हम एक मोल माना, तो n को हम कॉन्स्टेंट रहने देंगे, एक आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, पी बराबर आरटी आ जाएगा। ठीक, हम इसको साफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा फॉर्मूला आया था CP-CV, ठीक है ना। अब हम यहाँ से इसको ऐसा बदल सकते हैं, CP-CV=W को अभी हमने बताया कितना लिखा था, जब हमने वर्क की करते हैं तो P×∆V लिखा था, ठीक है। अब आदर्श गैस समीकरण जो होता है, आइडियल गैस समीकरण, वो क्या होता है, PV=nRT होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, हमने माना था क्या, गैस का नंबर ऑफ मोल कितना था, 1। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं PV=RT, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट फ्रॉम वॉल्यूम इज कांस्टेंट, हां तो सॉरी प्रेशर इज कांस्टेंट, क्या करेंगे, प्रेशर इज कांस्टेंट, हम प्रेशर क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट मान, हम प्रेशर को कांस्टेंट मानेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू तो ये सीधे सी रहेगी P, ये वही है, इसमें डिफरेंशिएशन लग जाएगा या फिर डेल्टा के अंदर डिफरेंशिएशन कर लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो P∆V=R, तो वैसे भी आपकी वैल्यू होती है कांस्टेंट रहती है, तो R कांस्टेंट हो गया, यहां पर ∆T आ गया, ठीक है। तो अब यहां पर देख रहे हैं T डेल्टा वी की वैल्यू यानी आर डेल्टा टी, तो हम इसको अप्लाई कर देंगे यहां पर अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, CP-CV=∆T, और पी डेल वी का मतलब आएगा आर डेल्टा टी, क्लियर। यहां से डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा CP-CV=∆T, इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही कहते हैं मेयर फॉर्मूला, ठीक है। आपको यही याद रखने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ी तो इतनी याद आती है आई नहीं, तो यही याद रखने के फॉर्मूला के मेयर फॉर्मूला क्या होता है, उसका किस तरीके से निगमन किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है। ओके, बाकी नेक्स्ट।